केंद्र की एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल के दौरान ही एक राष्ट्र एक चुनाव पर पहल कर सकती है। सरकार आम और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा को एक राष्ट्र एक चुनाव का नाम दिया गया है। हालांकि कई विपक्षी दलों और विपक्षी शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का विरोध किया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो सकता है, सरकार इस एजेंडे पर आगे बढ़ने को तैयार है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। और इस बड़े खबर को लेकर के कई राजनीतिक बयान आ रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। अलग अलग पार्टियों ने क्या कहा है। ये लोग चार राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं ले सकते तो क्या वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये लोग हमारे महाराष्ट्र की 14 महानगर पालिका का चुनाव नहीं ले सकते, जिला परिषद का चुनाव नहीं ले सकते और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हो। ये बकवास लोग का। चलिए देखिए साहब, जहां तक कांग्रेस का सवाल है और मुझे लगता है ज़्यादातर जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो तो उसके समर्थन में नहीं हैं, ना इसका कोई लोकतंत्र पे कोई सकारात्मक असर पड़ता है और ना काम पर। ये कहना बहाना है कि हम काम नहीं कर पाते क्योंकि चुनाव हैं। आप हाँ, दो कोई सड़क बननी हो, कोई छोटा मोटा टेंडर हो, वो सब नहीं हो सकता। बड़े काम सारे होते हैं क्योंकि नीतिगत काम जो होते हैं, जो बड़े बदलाव लाते हैं, वो लंबे तौर पे किए जाते हैं। ये जो ओछी सोच रखने वाले, सिर्फ वोट की तरफ ध्यान देने वाले, ये फ्री में कर दिया, वो रेवड़ी बांट दी, ये छोटा काम कर दिया, उनके लिए ये होता है एक वन नेशन वन इलेक्शन। बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, सवाल ये है कि जिस सरकार में कई राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, दो राज्यों के चुनाव घोषित होते हैं, दो राज्यों के चुनाव घोषित नहीं होते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी वो अपील करते हैं कि फरवरी की जगह नवंबर में चुनाव कर लिए जाए, तो भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक नफा नुकसान को देख के चुनाव की बात करती है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, और ये सब मुहावरे हैं भारतीय जनता पार्टी के। Z News.